नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हेल्थ डेटेस। तो मैं हूं जी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेटनोवेट एन क्रीम के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेटनोवेट एन क्रीम के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और इसे अगर आप काफ़ी दिन से यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे कैसे छोड़ सकते हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक, क्योंकि जब तक आप पूरी शुरू से लास्ट तक नहीं देखेंगे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी, आपको फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होगा। तो एक बार आपको और याद दिला दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ साथ जो बेल आइकन है जोर दबाएं, शुरू आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों जो बेटनोवेट एन क्रीम है आपको गैलेक्सो कंपनी की आती है, और इसके आपके 20 ग्राम की कीमत की बात करें तो 30 रुपीज है। आपको ऑल ओवर इंडिया किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से उपलब्ध है। दोस्तों यह स्टेरॉइड क्रीम है, कि इसके अंदर जो हम जैसे सॉल्ट की बात करें तो इसके अंदर स्टेरॉइड होता है आपका बेटामेथासोन एंड नियोमाइसिन। ये एक स्टेरॉइड क्रीम होता है। अगर आपको स्किन पे अगर एलर्जी, रैसेस, खारिश, खुजली, सोराइसिस है तो उसमें दवाइयाँ जो है काफ़ी कारगर होता है, और डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं चीज़ को ठीक करने के लिए। लेकिन आजकल एक ट्रेंड चल गया है, लोग इसे गोरे होने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चेहरे पे दाग धब्बे मुहासे को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो काफ़ी हद तक आपको लगाने से ठीक भी हो जाता है, लेकिन वो परमानेंट ठीक नहीं होता और अस्थायी होता है। क्योंकि आप इसे जब तक लगाते रहते हैं आपको ये प्रॉब्लम ठीक रहती है, जब आप इसे छोड़ देते हैं तो आपको ये जो प्रॉब्लम है पहले से भी ज़्यादा और ख़तरनाक और ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि इसका जो मेन कारण होता है ये स्टेरॉइड, ये आपका जो स्किन का जो एक लेयर है वो आपको एक एक लेयर कम कर देता है, जिससे आपका जो स्किन है गोरा दिखने लगता है। लेकिन जब आप इसे छोड़ते हैं तो पहले से भी ज़्यादा जो आपकी स्किन है वो काली और भद्दी नज़र आने लगती है। तो इसको छोड़ने का जो मेन एक आपका जो उपाय मैं आपको बता दूं, तो आप इस क्रीम को जब आप कंटिन्यू लगाते हैं तो आप इस पहले तो इस क्रीम को आप जब भी लगाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 हफ्ते तक लगा के छोड़ दें। लेकिन जब आप क्रीम इस क्रीम को आप काफ़ी समय से लगाते आ रहे हैं और इसे छोड़ना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले क्या काम करें, आप इसे एक दिन छोड़ के इस क्रीम को लगाएं, 1 हफ्ते तक एक दिन छोड़ के लगाना है। उसके बाद आपको जैसे अगले हफ्ते आप इसे 2 दिन छोड़ के लगाना, ऐसे करके दे आप इसे आप इस क्रीम को छोड़ देनी है। एकाएक इस क्रीम को आपको नहीं छोड़नी, क्योंकि आप एकाएक छोड़ते हैं तो आप इसके जो साइड इफेक्ट है जो काले काले धब्बे जो है काफ़ी ज़्यादा स्किन पे हो जाएंगे और पहले से ज़्यादा बुरा नज़र आएगा। जब आप इसे एक दिन छोड़ के यूज़ करते हैं तो बीच में जो गैप एक दिन का होता है, जो नाइट में आप इसमें आप कोई भी आप जैसे कोई भी एलोवेरा जेल हो गया या कोई भी ऐसे मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो गई वो आप इसे यूज करें, तो आप देखेंगे जो कि आपकी जो साइड इफेक्ट है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और जो प्रॉब्लम है आपका ठीक हो जाएगा। तो आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।